नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। देश महामारी से जूझ रहा है और इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है देश के नाम। इस संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी कई अहम बातों को देश की जनता के सामने रखेंगे। तो आपको बता दें कि रात 8 बजे पीएम नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन होगा। माना यह जा रहा है कि इस संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी कई अहम बातों पर चर्चा करेंगे, जिसमें कोरोना वायरस सबसे अहम होगा। कोरोना वायरस के कारण संक्रमित लोगों की संख्या भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यानी कि 19 मार्च 2020 को देश को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के कारण बने हालात और इससे निपटने के लिए उठाए गए कदमों और सरकार की तैयारियों को लेकर बात कर सकते हैं। वहीं पीएम मोदी COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस से संबंधित मुद्दों और इससे निपटने के प्रयासों के बारे में भी बात करेंगे। पीएम मोदी का ये संबोधन रात 8 बजे होगा। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस से उपजे हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पीएम मोदी ने बैठक में कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयारियों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की है। इसमें जांच की सुविधा का विस्तार भी शामिल है। तो पीएम नरेंद्र मोदी का देश के नाम ये संबोधन काफ़ी अहम रहने वाला है। पीएम मोदी ने राज्य सरकारों, मेडिकल और पारा मेडिकल स्टाफ, सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ उड्डयन क्षेत्र म्यूनिसिपल स्टाफ समेत उन सभी को धन्यवाद किया है जो कोरोना का मुकाबला करने में जुटे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे और इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो कुल इसी तरह के हालात तकरीबन पूरे देश में बने हुए हैं। हम बात करें दिल्ली की या फिर बात कर ले बिहार की राजधानी पटना की, तो पटना में भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसमें कि बस सर्विसेज आती हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। उसमें सैनिटाइजेशन के प्रोसेस को अपनाते हुए लगातार छिड़काव किया जा रहा है। इधर अगर पटना एयरपोर्ट की बात करें तो पटना एयरपोर्ट पर भी संदिग्धों की पहचान की जा रही है। वहाँ पर लगातार स्क्रीनिंग जारी है। जो लोग विदेश से पटना पहुँच रहे हैं या फिर डोमेस्टिक फ्लाइट्स लेकर इंडिया से के किसी भी अलग हिस्सों से बिहार की राजधानी पटना पहुँच रहे हैं, उन सभी की स्क्रीनिंग की जा रही है। इधर पटना PMCH समेत कई अस्पतालों में जो आइसोलेशन चैम्बर बनाए गए हैं उसमें भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। डॉक्टरों की जो छुट्टियां हैं उसे रद्द कर दिया गया है। मॉल्स के साथ साथ जितने भी सुपरमार्केट्स हैं सभी को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं देश में और इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी सबके सामने होंगे, देश की जनता को संबोधित करेंगे। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।